अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार, आजकल ना मैं इंटरनेट पे एक वीडियो देख रही हूँ जो एक्चुअली बर्गर की रेसिपी है। तो यार, बचपन से आप लोग भी बर्गर खाते आ रहे होंगे, मैं भी खाती आ रही हूँ। इसमें ना एक टिपिकल सा कभी लंबा वाला कभी गोल वाला बन यूज़ होता है, पर इस रेसिपी में ना वो बर्गर बन के बजाय यूज़ करते हैं जी टमाटर। तो मुझे देख के बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, मुझे क्यूरियोसिटी सी हुई, मैंने कहा ये रेसिपी ना मुझे भी ट्राई करनी है। तो जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की ना, ट्रस्ट मी, मुझे इतनी हेल्दी और मज़े की लगी। वेल, टुडे आई एम गोइंग टू मेक टोमेटो बन बर्गर। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक लाल चमकदार टमाटर। तो टमाटर जो है वो साइज़ में बड़ा होना चाहिए, छोटे टमाटर से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि हम इसको ना एज अ बन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, गेट इट। और इसको हार्ड भी होना चाहिए, अगर टमाटर हार्ड नहीं होगा या फ्रेश नहीं होगा ना, तो कटिंग टाइम उसका कुछ उम्र बन जाएगा। टमाटर को ना कुछ इस तरह से गोल मटोल से शक्ल में कर लेना है कट। तो स्लाइसेस जो है ना, उनको ना तो ज़्यादा बारीक कट करिएगा, ना ही ज़्यादा मोटा कट करिएगा, मीडियम साइज़ में कट करिएगा। मुझे क्योंकि ना दो बर्गर रेडी करने थे, तो मैं यहाँ पे दो स्लाइस ले रही हूँ टमाटर के। इसके ऊपर मैंने लगा दी थी आलू वाली टिक्की। किस किस की फेवरेट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप लोग शामी टिक्की भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये रेसिपी सेम टू सेम फॉलो नहीं की थी, तो इसलिए आपको भी साथ साथ ऑप्शंस दे रही हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगे, आप अपनी मनपसंद की चीज़ें यूज़ कर लीजिएगा। आप यहाँ पे टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हो, हरी चटनी यूज़ कर सकते हो, प्लस मेयोनीज भी यूज़ की जा सकती है। बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था पिज़्ज़ा सॉस। याद है ना, लास्ट ईयर में मैंने एक रेसिपी अपलोड की थी कि पिज़्ज़ा सॉस एट होम विद इन 60 सेकेंड्स ओनली। तो सेम वही वाला पिज़्ज़ा सॉस उठा के मैंने यहाँ पर लगा दिया। पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर मैंने लगा दिया गोल मटोल सा कट किया हुआ एक प्याज का स्लाइस, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया था एक कुकम्बर का स्लाइस। आप लोगों ने यहाँ पे कैबेज भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे सलाद पत्ता भी यूज़ किया जा सकता है। खीरा ना मेरे पास ज़रा बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने एक ही स्लाइस रखे। आप लोग दो तीन छोटे छोटे स्लाइस कट करके लगा सकते हैं। और अगर आपको चीज़ बर्गर पसंद है, तो आप यहाँ पे चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। वेल, इसके ऊपर मैंने ना फिर से लगा दी वो पिज़्ज़ा सॉस। और अभी पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर अगेन से मैं टमाटर का स्लाइस रख दूँगी। ये ना अभी एक टाइप का बर्गर बना है, इसके बाद ना एक और यमी सा बर्गर बनाऊँगी मैं, उसमें ना मैं फ्राइज यूज़ करूँगी। ओके, तो सेम प्रोसीजर है। उसमें भी सबसे नीचे ना आपने लगाना है वो टमाटर का स्लाइस, उसके ऊपर आपने लगानी है शामिल टिक्की या फिर आलू वाली टिक्की, फिर ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, और फिर सेम टू सेम इसके ऊपर रख दिया मैंने प्याज का स्लाइस। अच्छा, मैं यहाँ पे ना जो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करी, उसमें ना तो कच्ची प्याज है, ना ही वो कच्चा लहसुन अदरक का पेस्ट। आप ये ना हो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करो और फिर बोलो ये क्या टेस्ट ख़राब हो गया। वेल, प्याज के ऊपर मैंने रख दी थी फ्राइज़ के ऊपर अगेन थोड़ा सा वो पिज़्ज़ा सॉस लगाया, और ऊपर रख दिया एक कोकम्बर का पीस। इसको फिर वैसे ही हम लोग कवर कर देंगे एक टोमेटो स्लाइस के साथ। तो दैट्स ऑल, यू कैन सी इट्स लुकिंग सो हसीन। नहीं, अब तुम लोग मुझे ज़रा ईमान से बताओ, है ना क्यूट, है ना हसीन, है या नहीं? और इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा, फ्राइज़ वाला या दूसरा वाला? मुझे ना फ्राइज़ वाला एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगा था। आपको कौन सा अच्छा लगा, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्ला।